गाइज, सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शेयर माई सिंपल एवरीडे न्यूड मेकअप लुक विद माई ग्रीन ड्रेस। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्किन को प्रिपेयर कर रही हूँ प्राइमर से। प्राइमर से बेसिकली क्या होता है, हमारे फेस पे जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो ब्लर आउट हो जाते हैं, और उसके बाद जो हम मेकअप करते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग स्टे कर जाता है, हटता नहीं है। तो इस तरीके से पूरे फेस पे आप अच्छे से प्राइमर को लगा लें। मैं यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। फॉर फाउंडेशन मेरा फेवरेट है, लाइक डेली बेसिस के हिसाब से मुझे काफ़ी पसंद है मेबेलिन न्यूयॉर्क का फिट मी फाउंडेशन। गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन। माय शेड इसमें 115 आइवरी है, और इसे पूरे फेस पे फिंगर की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर लिया। एज यू कैन सी कितना स्मूथली ये ब्लेंड हुआ है। आफ्टर दैट SFR या स्विस ब्यूटी का यहाँ पर मेरे पास ये पैलेट है, तो इसमें से जो कॉन्टोर शेड है ना बेकिंग के लिए, मैं फेस पे यूज़ कर रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। इस तरीके से आप लगा ले तो ना आपके फेस पे स्वेटिंग नहीं आएगी। आफ्टर दैट इस पे टू कॉन्टोर की शेड है, तो यहाँ पे मैं फेस कॉन्टोर कर रही हूँ। फेस कॉन्टोरिंग से बेसिकली ना आपका फेस काफ़ी शार्प लगता है और काफ़ी स्मूथ सा टेक्सचर हो जाता है, मतलब ये काफ़ी सही रहता है अगर आपका थोड़ा सा चबी फेस है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी फेस पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। मुझे पर्सनली कॉन्टोरिंग करना बहुत पसंद है। ओके, सेम नोज़ को आपको थोड़ा सा शार्प लुक देना है तो नोज़ पे एज वेल एज फोरहेड पे। अगर आप फुल कॉन्टोरिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपको नहीं आती कॉन्टोरिंग करना, देन कमेंट डाउन बिलो, डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। ओके गाइज, यहाँ पे मेरी कॉन्टोरिंग डन हो गई। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग हुडा ब्यूटी का ब्लश, और एक ब्लश ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैं अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे ब्लश को अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली मुझे नोज पे और चीक्स पे तो अच्छा लगता है, ये नोज पे भी बहुत अच्छा लगता है ब्लश को लगाना। ऐसा लगता है बहुत ही क्यूट सा और सिंपल सा डिसेंट सा लुक आता है, आप बहुत क्यूट लगते हो। थोड़ा सा फोरहेड पे और चिन पे भी मैंने इसको अप्लाई कर लिया। आफ्टर दैट फॉर आई मेकअप गाइस, मैंने हुडा ब्यूटी का पैलेट लिया है। आपका जैसा बजट हो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो। जस्ट यहाँ पे जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ वो आपको फॉलो करने हैं। ओके, फॉर आई मेकअप मैंने क्रीज एरिया पे एक ब्राउन सा कलर ले लिया, जो कि डेली बेसिस के हिसाब से मुझे बहुत सुंदर लगता है। एंड लिड पे मैंने यहाँ पे ग्लिटरी सा शेड है, बहुत ही बेसिक सा लाइट गोल्डन कलर का ये शेड है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है। आप गाइस इलारी रोडा का पैलेट, स्वीट ब्यूटी का पैलेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी अमेजिंगली जाते हैं, कम बजट के हिसाब से बहुत पिगमेंटेड होती हैं। फॉर लाइनर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा मेबेलिन का बोल्ड लाइनर, और डेली बेसिस पे ना मैं मस्कारा लगाना थोड़ा कम पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी आँखें काली हो जाती है गाइस उससे। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइट लाइनर लगा रही हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल पतले पतला लाइनर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बताओ आपको किस तरह से लाइनर लगाना पसंद है। सो यहाँ पे सेम तरीके से मैं दूसरी आई पे भी लाइनर की लाइन क्रिएट कर रही हूँ, हल्की हल्की। जस्ट यहाँ पे मैं विंग्स क्रिएट करूँगी, बहुत ज़्यादा हैवी मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही डिसेंट सा यहाँ पे लुक चाहिए। और यहाँ मेरा चूड़ा है अमेजोन से, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, किसी को भी चेकआउट करना है तो। ओके गाइज, यहाँ तक मेरा लुक डन हो गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर इट्स टाइम फॉर ब्राउज। तो ब्राउज के लिए मेरा लॉरियल का प्रो आर्टिस्ट जीनियस किट बहुत अमेजिंग है, तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से ना बिल्कुल शेप के ऊपर यहाँ पे मैं शेप देने वाली हूँ, जिससे मेरा जो आई लुक है ना बहुत क्यूट लगता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ब्राउज बिल करने के बाद हमारा लुक बहुत इन्हेंस हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इनफैक्ट अगर आप बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना पसंद करते तो आईब्रोज ज़रूर फिल कर लेना, आप बहुत सुंदर लगोगे। ये चीज़ ट्राई करके देखना, सीरियसली आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आपको पसंद आए देन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड गाइज, आप मुझे साथ ही साथ इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा हैंडल नेम निहाल स्वेशरी है। ओके गाइज, आफ्टर दैट यहाँ पे मैं लिपस्टिक के लिए नायका का अल्ट्रा मैट लिपस्टिक लिया है। शेड है इसमें मेरा जैन, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट वाला कलर, जो कि मतलब मैं डेली बेसिस पर लगाना बहुत पसंद करती हूँ। एंड या, दिस इज़ माई फाइनल मेकअप लुक। आपको मेरा ये लुक कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड इसी तरह और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।